गाइस यार आज की इस वीडियो के अंदर हम इस एल्यूमिनियम फॉइल से इस आईफोन को चार्ज करने वाले हैं। यकीन नहीं होता ना, वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखना, यकीन हो जाएगा। असिस्टेंट्स यस सर, तैयार हो? हाँ सर। तुम जाओ सोडियम हाइड्रोक्साइड और स्टील वो लेके आओ, जाओ निकलो। और तुम जाओ कोयला लेके आओ, ओरिजिनल वाला, जाओ निकलो। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम एक सिंपल सी बैटरी बनाएंगे एल्यूमिनियम फॉइल और कोयला और कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल करके, और फिर उसी सिंपल सी बैटरी से हम इस आईफोन को चार्ज करने वाले हैं। इस तरीके की बैटरी को कहा जाता है गैल्वनाइज्ड बैटरी। स्कूलों में पढ़ा है ना, अभी हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। आप क्या करोगे, इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एल्यूमिनियम फॉइल से इसको चार्ज करने वाले हैं भाई, चलो शुरू करते हैं। क्लासेस के अंदर आप पढ़ते हैं कि बैटरी बनाते हैं तो दो चीजें चाहिए होती है, एनोड और कैथोड। तो गाइस यार ये जो एल्यूमिनियम फॉइल है ये एनोड का काम करेगी, और ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा। और आ जाओ भाई, क्या कर रहे हो यार, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और साथ ही साथ हमें कोयले की जरूरत पड़ेगी। अबे इतने सारे कोयला का क्या करोगे, टाइटेनियम लेवल का बनाएंगे ना। शाबाश बेटा, अच्छा ठीक है। और गाइस यार जो कैथोड है वो बनाएंगे हम इस स्टील वूल से। अब ये जो स्टील वूल है ये क्या काम करती है, फिर इसके काफी सारे फन एक्सपेरिमेंट्स भी है। जो पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो अच्छे से जानते हैं कि इसकी मदद से हम आग की बारिश कर देते हैं, फिर यूट्यूब डर जाता है, यूट्यूब को वीडियो कैसे स्टिक कर देता। ये जो कोयला है ये हमने घर पे ही बनाया है। आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने लकड़ी की मदद से बाइक को चलाया था गैस बना के, उसके अंदर हमने बताया था कि किस तरीके से हम घर पे ही प्योर कोयला बना सकते हैं। तो ये कोयला हमने वैसे ही बनाया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टिश्यू पेपर लेते हैं। टिश्यू पेपर क्या काम करेगा, एनोड और कैथोड के बीच में एक लेयर का काम करेगा, यानी कि मतलब एक दीवार का काम करेगा। सबसे पहले एल्यूमिनियम फॉइल को इस तरीके से खोल लेते हैं और कैंची की मदद से हम इसे काट लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल सीधा। और अब हम इस टिश्यू पेपर से एक लेयर बनाएंगे। तो टिश्यू पेपर को अपन इस तरीके से खोल लेते हैं और इसके बीच में इस एल्यूमिनियम फॉइल को कुछ इस तरीके से रख देते हैं। ये बन गया हमारा एनोड, ठीक है, ये एनोड है, बीच में लेयर है। और अब हम ये स्टील वूल लेते हैं और अब हम इस स्टील वूल को थोड़ा सा काट लेते हैं, क्योंकि ये काम करेगी कैथोड का। और इसे हम रख देते हैं यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और अब इसके ऊपर जो है स्वाद अनुसार हम कोयला डालेंगे। तो ये रहा कोयला, इसे हमने मिक्सी से पीस के बारीक कर लिया है बिल्कुल। और अब हम इसके अंदर डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट। गाइस यार ये चीज़ थोड़ी सी खतरनाक है, तो प्लीज़ यार ऐसा ट्राई मत करना, और अगर करो भी सही तो किसी प्रोफेशनल की निगरानी में करना जिसको इन सब चीज़ों के बारे में पता हो। तो अब हम इसके अंदर डाल देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। बस इतना काफ़ी है, और अब जो है हमारा सेल लगभग बनके तैयार हो चुका है गाइस। और इसके अंदर से अभी 1.2 वोल्टेज में भी निकल रहे होंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है बताओ, क्या हो रहा है सर? यहाँ पर रिएक्शन हो रही है, ये रहा अपना कैथोड, ये रहा अपना एनोड, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलकर यहाँ पर आते हैं और करंट पैदा होता है। बस समझ जाओ, ये सिंपल सी भाषा में समझाते तो सबको समझ में आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे मैं ये जो मल्टीमीटर इसे ऑन कर लेता हूँ, और इसे जो है इसके अंदर से डीसी आएगा, तो इसे डीसी पे सेट कर लेते हैं, डीसी वोल्ट्स पे और 20 पे। अब देखते हैं कि ये यहाँ पे करंट बन रहा है या फिर नहीं। तो एक सिरा मैं एनोड पे लगाता हूँ, दूसरा कैथोड पे। वाओ गाइस, आप देख सकते हैं कि 1.5 वोल्टेज यहाँ पे हमें मिल रहे हैं। अगर मैं इसे हटा लेता हूँ, ये देखो जीरो है, ये देखो जीरो है, और देखना ध्यान से देखना, देखा कितना सिंपल है ये बैटरी बनाना। और ये देखना, पकड़ चमन पकड़, चल इसको इसको पकड़, तार साइड में रख, पब्लिक को दिखना चाहिए, देखना गाइस ध्यान रखना इसमें मीटर पे, देखना ये मैं अभी जीरो है, टच कर रहा हूं गाइस 1.6 रेटिंग आ रही है अभी, लेकिन अपन इसे मान सकते हैं 1.5 वोल्ट्स। और गाइस ये बनके तैयार हो गया हमारा सेल। लेकिन गाइस यार इस सेल के अंदर जो है वोल्टेज तो हमें मिल रहा है 1.5 वोल्ट्स, और अगर हमें इस फोन को चार्ज करना है तो मुझे लगता है कि मिनिमम 5 वोल्ट्स तो चाहिए ही होंगे, और साथ ही साथ कई सारे एम्पियर्स। तो एक सेल से काम नहीं चलेगा, मुझे इस तरीके की काफी सारे सेल बनाने होंगे। और उन सभी सेलों को हम किस में कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल या सीरीज? सीरीज में, सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, और फिर उसके बाद में फोन को चार्ज करके देखते हैं होता है या फिर नहीं। चलो Just you, me, and the odds. We stuck together, we two peas in a pod. You dealt a bad hand, I'm there seizing the cards. We'll never be separated till we seeing the gods. We've been low together, high forever. Long as we go together, we'll die, we'll never be alike. Couldn't let the darkness try you ever. Truth in my words.
her, you are lots who never end. ऑलराइट गाइस, तो मैंने इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया है। अब चेक करते हैं कि ये सारे मिलके कितने वोल्टेज हमें दे रहे हैं। तो मैंने फिर से इसको मल्टीमीटर को सेट कर दिया है। बैंग गाइस, आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे मिल रहे हैं 14 वोल्ट। जी हाँ गाइस, और आप देख सकते हैं कि हमारे पास 9 सेल है। एक सेल मेरे हिसाब से 1.2 या फिर 1.3 हो सकता है, 1.5 भी वोल्टेज हमें दे रहा हो। सारे सीरीज के अंदर मिलके हमें यहाँ पे दे रहे हैं कंटिन्यूसली 14 वोल्ट्स। देखो गाइस, अब इस चीज़ से अपन जो है फ़ोन चार्ज करके देखते हैं, देखते हैं कि हमारा फ़ोन इससे चार्ज होता है या फिर नहीं। और इसके लिए हमने ये केबल का जुगाड़ किया है। ये केबल कैसे बनाइए वो भी देख लो गाइस। केबल के लिए हमें इसे काटना पड़ेगा। ये एक यूएसबी केबल है, इसके अंदर काफ़ी सारी वायर्स होती है डेटा ट्रांसफ़र के लिए और पावर के लिए। तो पहले से उड़ा देते हैं खाच। और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चार वायर्स है गाइस। चारों के अंदर से हमें ये देखना होगा कि कौन सी जो है पावर के लिए है, पॉजिटिव नेगेटिव, और कौन सी होती है डेटा ट्रांसफ़र के लिए। अगर एक भी वायर गलत कट गई तो हमारा जो फ़ोन है वो चार्ज नहीं होगा, बल्कि उसमें धमाका हो सकता है। इसीलिए आप ऐसा कुछ भी ट्राई मत करना, मैं उन्हें करने के लिए। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इसके अंदर चार केबल्स हैं, 1 2 3 4। तो चमन भाई का कहना है कि इन दोनों को उड़ा दो। जय श्री राम की चमन, अगर चार्ज नहीं हो अपन तो तुझे चार्ज कर दूंगा मैं, ठीक है। तो ये दोनों वायर्स हम काम में लेंगे, बस इन्हें छील लेते हैं गाइस। यार फोन तो चार्ज हो जाएगा, पहले मेरे पास ये LED है। इस LED को इससे जला के देखते हैं कि ये जलती है या फिर नहीं। गाइस हमें प्लस माइनस का भी इसके अंदर ध्यान रखना होता है। उल्टा गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारी जो LED है वो अभी जल रही है। बाकी लाइट्स एक मिनट बंद करना, बाकी लाइट्स बंद करना, वो भी बंद करना एक मिनट। गाइस आप देख सकते हैं कि ये जो अभी LED है ये जल रही है हमारी एल्यूमिनियम वाली बैटरी से। कमाल हो गया ना गाइस, 9 सेल हैं और एल्यूमिनियम और स्टील वूल का इस्तेमाल करके बनाया। और ये तो किस तरीके से ग्लो कर रही है आपके सामने है। लाइट्स चलाना, वापस लाइट्स चलाओ। देख लो गाइस, कोई भी हिडन कनेक्शन या फिर ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बात तो ऐसी दिक्कत ही नहीं आएगी, क्योंकि आप खुद भी घर पे इसे बना के देख सकते हैं अगर सेफ्टी के साथ बनाए तो। आप देख सकते हैं ये रे सेल, ये रे इसके वायर्स, ठीक है। इसके वायर्स हमने टेप से इसलिए चिपका रखे हैं ताकि ये सेल हिले ना। और ये देखो, ये सारे सीरीज के अंदर है और यहाँ पे आ रहे हैं, और यहाँ पे हमारी जो LED है वो जल रही है। देखना, अगर मैं सीरीज को हटाता हूँ, जैसे अगर मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, देखना तो ये बंद हो जाएगी, तो ये बंद हो जाएगी क्योंकि कनेक्शन टूट जाए। जैसे ही मैं इसे वापस बना लगाता हूँ, ये देखो जल रही है, ये देखो। और अब बारी है इससे फोन को चार्ज करने का। यार मेरे पास यहाँ पे कुछ और LEDs हैं, ये भी जला के देखते हैं इससे। बैंग गाइज, आप देख सकते हैं कि LED ग्लो कर रही है और सारी जो पावर है वो हमें इस सेल से ही मिल रही है। ये जो हमने अभी सेल बनाया, इसे लाइट बंद करना। ये देखो गाइज ये देखो, चला दो, वापस चला दो। मोमेंट ऑफ ट्रूथ गाइस, अब हम चला के देखते हैं। अगर हमें इस LED को और ज़्यादा ग्लो कराना है इसी सेल्स की मदद से, तो हम क्या करेंगे, ऐसे और बैच बनेंगे। जैसे 9 सेल का बैच है, एक ये हो गया, दूसरा बनाएंगे, तीसरा बनाएंगे, उन्हें हम पैरेलल में जोड़ देंगे ताकि वोल्टेज तो सेम रहेगा जितना कि हमें मिल रहा है, पावर बढ़ जाएगी। हरी वाली जला के दिखाए। थारा भाई चमन कह रहा है कि एक बार हरी वाली भी जला के दिखाओ, तो थारा भाई चमन की भी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। ठीक है तारा भाई चमन, ग्रीन सिग्नल मिल गया भैया, बड़ी बनानी पड़ेगी। क्या बोल रहे हैं, बड़ा लेवल बनाना पड़ेगा। ग्रीन सिग्नल मिल गया, अरे ये बड़ा ही तो है बाबू, इससे और बड़ा करेंगे। उससे और बड़ा तो फिर तो वो फिर आगे वीडियो में देखिए। इस वीडियो पे अगर कितने लाइक आनी चाहिए, इस पे कम से कम 5 लाख। चलो ठीक है, चमन भाई ने 5 लाख का टारगेट दिया, कर देना भाई, आपके लिए तो छोटी सी बात है। तो ये देखो, अब बारी आती है फ़ोन चार्ज की। मुझे पता है कि आप इसीलिए इस वीडियो को देख रहे हो, तो अब फ़ोन को चार्ज करते हैं। तो गाइज ये रही केबल, इसके अंदर हमें प्लस माइनस देखना होगा। तो पहले टेस्ट करते हैं, ये एक सिरा मैंने जोड़ दिया इसके अंदर, और ये दूसरा सिरा मैंने जोड़ दिया इसके अंदर। और अब जो है मैं आपके सामने ही इस केबल को पिन इसके अंदर लगा रहा हूँ, फिर देखते हैं। गाइज आई थिंक पिन उल्टी है, तो दोबारा से चेंज करते हैं इसको, प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, है ना। पकड़ो राइट गाइस, अब लगा के देखते हैं आपके सामने ही दोबारा से। तो गाइस ये हम लगा रहे हैं केबल इसके अंदर, आप देख सकते हैं अभी फोन चार्ज नहीं हो रहा है। बैंग गाइस, आप देख सकते हैं कि अभी हमारा जो फोन है वो चार्ज हो रहा है, चार्जिंग होना इसने स्टार्ट कर दी है। और आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा फोन है ये अभी इन्हीं बैटरी से चार्ज हो रहा है। जी हाँ गाइस, अभी 23% है, मैं भी मुझे नहीं पता जब तक मैं बात करूंगा तब तक ये कितना हो जाएगा, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कह सकता हूँ। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको करके दिखाता हूँ, जैसे ही मैं पिन हटाता हूँ, यहाँ से नहीं हटाते, यहाँ से हटाएंगे तो आपको विश्वास नहीं होगा, यहाँ से कनेक्शन तोड़ते हैं, देखना।
देखना दोनों तरफ ध्यान देना, जैसे ही मैं कनेक्शन तोड़ता हूँ बैंग चार्जिंग बंद हो गई, जैसे ही मैं फिर से कनेक्शन ऑन करता हूँ ये ताराबाई चवन बैटरी बन गई। तो गाइस यार फाइनली देखा आपने किस तरीके से हमने एल्यूमिनियम फॉइल की मदद से फोन को चार्ज किया, एलईडी जलाई और बिजली बनाई। हाँ मैं यूं तो नहीं कहूंगा कि आप इस तरीके से मतलब अपने फोन को फुल चार्ज कर पाएंगे या फिर बड़े पंखे चला पाएंगे, बड़ी मोटर्स चला पाएंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये सिर्फ डेमो के लिए है और ज्यादा इससे हमें पावर तो नहीं मिल पाती है कि हम फोन को बहुत ज्यादा चार्ज कर पाए। लेकिन हाँ अगर हम ऐसे बहुत सारे सेलों का इस्तेमाल करें तो मे भी हो सकता है कि हम फोन को रेगुलर चार्ज कर पाए। हाँ इससे मेरे हिसाब से जैसे कि 24 है तो मे भी 26 30 30 तक में भी चार्ज हो सकता है, अगर हम और सेल लगाए तो और ज्यादा हो सकता है। बाकी ये थी सिंपल सी गैल्वनाइज्ड बैटरी आपके सामने और आपने देखा किस तरीके से मैं बार बार एक ही बात दोहराए जा रहा हूँ, बस आपने देख लिया किस तरीके से हमने एल्यूमिनियम फॉइल और स्टील वूल और कुछ केमिकल्स की मदद से बिजली बनाई और बिजली बनाकर फोन चार्ज किया, एलईडी जलाई और ये बड़ी वाली एलईडी भी जलाई। तो थारा भाई चमन तूने क्या बनाई आज? बैटरी। ओ कौन सी बैटरी? गैल्वनाइज्ड बैटरी। तो खत्म कर दे फिर वीडियो को, खत्म कर करना तू करना कर भाई कर जल्दी कर। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थारा भाई चमन जय हिंद जय भारत बोलता है। थारा भाई चमन जय हिंद जय भारत बोलता है। बाय बाय।